हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जिसके कारण ही लगातार मैं एक नंबर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं और लगातार करता रहूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए एकदम महात्मा बुद्ध बनकर। याद रखना, आपने जिस तरीके से विश्व इतिहास पढ़ा समझा उससे कम कठिन नहीं है दक्षिण भारत का इतिहास। सो आपको एकदम शून्य रहना पड़ेगा, टेंशन मुक्त, ओके, तभी आप समझ पाएंगे ये इम्पोर्टेंट डायनेस्टी। तो हमने सुना है, हमने पढ़ा है साउथ इंडियन डायनेस्टी के तीन वंश को, ओके, एक था चोल वंश, एक था चेर वंश और एक था पांड्य वंश। लेकिन आपको एक बात बताऊं, विश्वास नहीं होगा, चौथी से लेकर आठवीं शताब्दी तक बहुत ताकतवर वंश था पल्लव वंश। आज अपना टॉपिक है पल्लव वंश, बहुत ताकतवर वंश था। लेकिन इतिहास में इस डायनेस्टी को उतनी इम्पोर्टेंस, उतना महत्व नहीं मिला जितना चोल, चेर और पांड्य को मिला, ओके। तो दक्षिण भारत की ही एक डायनेस्टी है पल्लव। पल्लव एक्चुअली कहाँ पर रूल करते थे, कहाँ पर राज करते थे, इसकी जानकारी हमें तमिल साहित्य से भी ज़्यादा नहीं मिल पाती है, ओके। संगम युग में ये डायनेस्टी थी कि नहीं थी, इसके भी कोई स्पष्ट प्रमाण, एविडेंस मिले नहीं। लेकिन हम अशोक के अभिलेखों की बात करें या फिर हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत की बात करें, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री है ना, उसके यात्रा वृतांत की बात करें, तो हमें पता चलता है कि दक्षिण में कांची जो प्रदेश था, ओके, कांची सुना होगा आपने, तो केरल में, तो कांची साउथ इंडिया में, याद रखना है कांची, तो जो कांची प्रदेश था वहां पर ये पल्लव वंश शासन कर रहा था, ओके। अशोक के अभिलेख में जो पुलिंद या पिलिंद नामक, पलंद या पिलिंद नामक शब्द यूज किया गया है वो संभवतः पल्लवों के लिए यूज किया गया है। अब पल्लव किस वंश से थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे, देसी थे या विदेशी थे, हाँ हमारे देश से थे या बाहर से आए थे, इसमें भी थोड़ा सा संशय है। जनरली सामान्यतया पल्लवों को भरद्वाज गोत्र का माना गया है। अभी महाभारत आ रहा है ना, आपने देखा होगा महाभारत, तो उसमें एक पात्र है अश्वस्थामा, है ना। अश्वस्थामा कौन है, तो भैया अश्वस्थामा है गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, ओके। तो अश्वस्थामा का वंशज माना गया है किसको, पल्लवों को, याद रखना। और भी एविडेंस मिलते हैं इनके बारे में, लेकिन इनको जनरली ब्राह्मण माना गया है, पल्लवों को, ओके। और पल्लवों का ज्यादा संघर्ष किससे रहा, चोल डायनेस्टी, चोलों से रहा, और आगे चलकर चोलों ने ही पल्लवों की कमजोरी का फायदा उठाकर पल्लवों के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, ओके। तो पल्लवों का सक्सेसर कौन होता है, चोल होते हैं, ये याद रखना है, मैंने चोल वंश में भी पढ़ाया था। ये जो पल्लव वंश के राजा थे या पल्लव जो इंपरर्स थे, ये बौद्ध और जैन धर्म के भी प्रभाव में आए। संभवतः आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, अशोक के अभिलेखों से भी ये जानकारी मिलती है और ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृतांत में ये मेंशन किया है कि महात्मा बुद्ध जब इधर दक्षिण आते हैं और दक्षिण प्रवास या आगमन के दौरान उनकी प्रसिद्धि, उनकी कीर्ति या बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगती है तेजी से। नहीं तो पहले क्या था, जो दक्षिण भारत के लोग थे या दक्षिण भारत में दो संप्रदाय का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, एक था नायनार और एक था आलवर, याद रखना, एक था क्या, आलवर और एक था नायनार।
तो नायनार जो थे ये लोग ना भगवान शिव की आराधना करते थे, भगवान शिव के उपासक थे। और शैव संप्रदाय का एक सबसे बड़ा शख्स आपने सुना होगा, महापुरुष आदि शंकराचार्य, मैंने चोल वंश में भी पढ़ाया था, है ना। और वैष्णव संप्रदाय के जो लोग थे वो भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। और इसमें सब जो बड़े महापुरुष हुए उनका नाम था रामानुजाचार्य या रामानुज। तो आदि शंकराचार्य शैव संप्रदाय से संबंधित हैं, इन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया और विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया, रामानुजाचार्य ने दिया। तुम मन करे तो नोट कर लें, शैव संप्रदाय से कौन संबंधित है, आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। इन्होंने कौन सी फिलॉसफी दी थी, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये पूछा गया प्रश्न है, अद्वैतवाद। और वैष्णव धर्म से या वैष्णव संप्रदाय एक्चुअली हिंदू धर्म या सनातन धर्म का ही भाग है, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म संप्रदाय के जो फेमस शख्स हैं, दार्शनिक हैं, महापुरुष हैं, उनका नाम है रामानुज, रामानुज या रामानुजाचार्य, ओके। और इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था, तो विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ओके, विशिष्टाद्वैतवाद। इन्होंने इस फिलॉसफी में, दर्शन में, अपनी आइडियोलॉजी में, विचारधारा इनकी जो थी वो आदि शंकराचार्य के विपरीत थी। और इन्होंने आदि शंकराचार्य के आत्मा और मायावाद जैसे सिद्धांतों का खंडन किया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पल्लव वंश के जो राजा थे उन्होंने बौद्ध और जैनों को भी प्रश्रय दिया, प्रमोट किया, शरण दी, लेकिन लास्ट में अपनी खूबियों के कारण, अपनी क्वालिटी के कारण फिर से शैव धर्म और वैष्णव धर्म का प्रसार तेजी से दक्षिण भारत में हुआ। और एक बड़ी घटना थी आदि शंकराचार्य का उदय होना, हाँ, और महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी का मर जाना, ओके। अगर महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे शख्स, उनके उत्तराधिकारी सक्सेसर होते तो इतनी जल्दी इसका डिक्लाइन नहीं होता, कमजोर नहीं होता ये दोनों धर्म, ओके। तो याद रखना है, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय ये दो बड़े संप्रदाय थे पल्लव साम्राज्य के दौरान, पल्लव वंश में, ओके। नायनार जो थे वो शैव उपासक हुआ करते थे और आलवार वैष्णव या विष्णु उपासक हुआ करते थे। कई सारे पल्लव राजा भगवान शिव के भी उपासक रहे और बहुत सारे भगवान विष्णु के भी उपासक रहे। बहुत सारे राजा थे पल्लव वंश के जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी प्रमोट किया, ओके। ऐसा नहीं था कि चोल वंश के राजा कुलोत्तुंग सेकंड की तरह भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ दे या विष्णु उपासक हो तो भगवान शंकर की मूर्ति तोड़ दे, ऐसा नहीं था, ओके। पल्लव वंश का जो पहला राजा था उसमें डाउट है कि हु वाज फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, ये एक विवादित प्रश्न है। कुछ बुक्स में शिव स्कंद बर्मन को पल्लव वंश का पहला राजा बताया गया है, जो लगभग 275 ईस्वी के करीब, 275 AD, एन्नो डोमिनी बोलते हैं ना एडी को, ओके, कुछ लोग आफ्टर डेथ बोलते हैं गलत, एन्नो डोमिनी, तो 275 AD या ईस्वी के करीब ये राजा बनते हैं शिव स्कंद बर्मन। लेकिन कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में पल्लव वंश का फाउंडर विष्णुगोप को बताया गया है। ये विष्णुगोप को कैसे बताया गया है, तो आपने सुना होगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस गुप्त राजा ने दक्षिण भारत का अभियान किया था, तो वो था आपका समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का अभियान किया और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि विष्णुगोप नामक पल्लव राजा ने कई सारे राजाओं को यूनाइट कर एक कर एक मोर्चा बनाया, मोर्चा बनाकर, संयुक्त मोर्चा बनाकर, ज्वाइंट आर्मी बनाकर समुद्रगुप्त गुप्त वंश के राजा से संघर्ष करता, युद्ध करता है, लेकिन अल्टीमेटली अंतोगत्वा मारा जाता है, कौन, विष्णुगोप, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक।
कि समुद्रगुप्त के अभियान के दौरान पल्लो राजा कौन था, तो विष्णुगुप्त था। ओके, तो फाउंडर कौन था इसमें डाउट है। हाँ, आपने सुना होगा, आगे मैं आपको भारत के इतिहास में पढ़ाऊंगा हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन अपने जीवन में एक बार केवल पराजय झेलता है, एक बार पराजित हुआ था, और वो किसके द्वारा, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। तो याद रखना, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने पल्लवों को भी बहुत परेशान किया, और अंतोगत्वा एक राजा था पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन, उसने चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। तो ये पूछा गया प्रश्न है। तो किसने या किस राजा ने या चालुक्य वंश के किस राजा ने लगातार पल्लवों को पराजित किया, पल्लवों पर आक्रमण किया, तो उसका नाम था पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय। ये चालुक्य वंश का राजा है। किस वंश का? चालुक्य। तो आगे अगली क्लास में आपको राष्ट्रकूट पढ़ाऊंगा, देन आफ्टर आपको चालुक्य पढ़ाऊंगा। हाँ, वातापी के चालुक्य, व्यंगी के चालुक्य आपको पढ़ाऊंगा। तो पुलकेशिन सेकंड वाज अ चालुक्य किंग, हु वाज डिफीटेड बाई पल्लव किंग नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम राजा, तो अंतिम राजा में कोई विवाद नहीं है। तो हु वाज लास्ट इंपरर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, तो आंख बंद करके आपको लगा देना है कंप वर्मन। कंप वर्मन लगभग 980 ईस्वी में मर जाता है। इन पल्लव वंश का फाउंडर कब हुआ या अंतिम राजा कब मरा, इसके बारे में भी डाउट है। हाँ, अंतिम राजा कौन था, तो लास्ट इंपरर कौन था, कंप वर्मन था, जो कि लगभग अप्रॉक्स 980 AD में मर जाता है। और इस तरीके से चोल वंश ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और पल्लव शक्ति पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है, एकदम नष्ट हो जाती है। ठीक, तो ये एक आइडिया मैंने आपको एक थॉट क्रिएट करने का प्रयास किया या कर रहा हूँ लगातार। साउथ इंडियन डायनेस्टीज में, साउथ इंडियन डायनेस्टी भाई बहुत ही कठिन है साउथ इंडियन हिस्ट्री, इसीलिए टीचर्स वगैरह अवॉइड करते, पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन मैं जो 16-17 टॉपिक हैं, 16-17 के राउंड टॉपिक हैं, वो आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप जो यहाँ से इक्का दुक्का प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपसे छूटे ना, और दक्षिण भारत को भी आप उसी तरीके से समझ सकें जैसे भारत के इतिहास को समझते हैं आप। तो आशा करता हूँ ये पूरा पल्लव डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक दो प्रश्न, चार प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम लोग राष्ट्रकूट डायनेस्टी पढ़ेंगे, और उसी में हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपल टाइट स्ट्रगल, बहुत पूछा जाता है ना ये सब प्रश्न पूछा जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, दक्षिण भारत की भी लगेगी, नहीं उतनी अच्छी जितना अच्छा भारत का इतिहास है, लेकिन फिर भी अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप दोस्त यार में भी लिंक शेयर करिए। ओके, ताकि हम तेज़ी से हमारा प्रचार प्रसार हो और लाइव सेशन हम लोग ले सकें। अभी वाच टाइम हमारा इतना ज़्यादा नहीं है कि वाच हम लोग लाइव सेशन ले सकें। तो सब्सक्राइबर वाली कंडीशन तो पूरी है, वाच टाइमिंग वाली कंडीशन बस पूरी होने वाली है, होप सो मई तक पूरी हो जाएगी, फिर हम लोग जून से लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।